हेलो। हेलो हाँ निकिता बात कर रही हो? जी। हाँ हाँ निकिता, मैं दीपक चौहान बात कर रहा हूँ टेक्निकल फादर चैनल से। जी सर, बोलिए। आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग कॉल की गई है, आर यू रेडी? यस ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने बारे में थोड़ा कुछ बताओ, कहाँ काम करते हो? निकिता सिंह और मैं कोटा की रहने वाली हूँ, और मैं कोटा में ही ग्वालियर पॉलीपाइप लिमिटेड में एक लैब इंचार्ज हूँ। ओके, आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन? मैंने प्लास्टिक से डिप्लोमा किया हुआ है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से, थ्री ये कितने ईयर का था, इयर्स का, कोटा कहाँ से किया आपने? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से। उसके ओके, उसके बाद? बाद मैंने इंटर्नशिप करी थी सीपेट से 3 महीने की। उसके बाद मैं टेस्टिंग में इंटरेस्ट था तो टेस्टिंग लाइन में चली गई थी, तो अभी वहां से टेस्टिंग में फिर क्या कर रहे मैंने हो आप? अभी टेस्टिंग में मैं HDPE और PVC की टेस्टिंग करती हूँ। हमारी कंपनी में पाइप्स बनते हैं ओके, ये HDPE जो और PVC HDPE और PVC है, ये किस प्रकार के मटेरियल होते हैं? के। HDPE PVC थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल किसे बोलते हैं? जो मैं वापस से मेल्ट करके हम दोबारा से उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, जो HDPE है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो ये जो पॉली इथाइलिन का ग्रुप होता है कंप्लीट, क्या इसके और भी मटेरियल के नाम पता है आपको? HDPE, LLDPE, LDPE, PE। जो पाइप हैं, आप HDPE और PVC के पाइप ही बता रहे हो, तो बाकी जो LLDPE है या LDPE है, उनके पाइप क्यों नहीं बना सकते? वो लो डेंसिटी के होते हैं तो वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये जो HDPE के पाइप हैं, ये घरों में या कहाँ कहाँ पे यूज किए जा सकते हैं इनके एप्लीकेशन? जैसे घरों में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी में जो पाइप बनते हैं वो कोरोगेटेड बनते हैं, जो कि ब्रिज वगैरह जो बनते हैं उनके लिए यूज में लिए जाते हैं, ताकि ब्रिज जो है वो एक तरह का झूले टाइप में हो जाए, क्योंकि उसमें ग्रिप्स होती है तो वो ग्रिप पकड़ लेता है तो वो गिरने से बच जाता है। ओके, तो इनके लिए जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाते हैं, मशीन से आपके पास सैंपल आता है, तो फिर कौन कौन से टेस्ट करते हो आप इसके लिए? डेंसिटी टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं, ग्लो वायर टेस्ट करते हैं, इसके अलावा और भी काफी सारे टेस्ट हैं जो तो आईएस के अकॉर्डिंग आपको जो। आपको कौन कौन से टेस्टों के बारे में पता है, कौन कौन से टेस्ट आप डिस्कस करना चाहोगे? डेंसिटी, MFI, बताओ जरा, डेंसिटी के बारे में बताओ, ये कैसे होता है? डेंसिटी में सबसे पहले जैसे HDPE कर रहे हैं तो हम उसके लिए ऐसा मटेरियल, ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसकी डेंसिटी HDPE से कम हो, ऐसा जैसे किसी कि मटेरियल का नाम पता है एसीटोन। आपको? एसीटोन एसीटोन, और कोई? और ब्लूटाइल, एन ब्लूटाइल एसीटेट, एन-ब्यूटाइल एसीटेट, ठीक। हाँ बताओ आगे। तो वो लिक्विड लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो हम उसका कर लेते हैं, सैंपल का वेट कर लेते हैं। उसके बाद में मतलब वेट इन एयर अपॉन वेट इन लिक्विड करते हैं, फिर वेट इन लिक्विड करते हैं, लिक्विड के अंदर वेट ले लेते हैं उसका, और उसके बाद में उसको फॉर्मूले में डाल के, और वेट इन लिक्विड अपॉन वेट इन एयर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उससे फॉर्मूला लगा के और हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सीसी, ये सीसी क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर ना। HDPE जो है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 0.93 0.93। किलोग्राम पर सीसी, या हम 9930 कह सकते हैं ना, 930 ग्राम पर सीसी। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना रखते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर 190 190 डिग्री सेल्सियस ना। जी। ओके, और पीवीसी का क्या डेंसिटी कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना? हाँ, उसके लिए वाटर ले लेते हैं, क्योंकि पीवीसी की डेंसिटी 1.38 होती है, यानी 1 से ज्यादा होती है, तो
तो इसके लिए वाटर ले लेते हैं क्योंकि वाटर की डिस्टिल डेंसिटी वाटर। वन होती है। हाँ डिस्टिल वाटर। ओके, दूसरा टेस्ट कौन सा बताया था आपने? दूसरा टेस्ट है टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं? टेंसाइल टेस्ट में हम एक सैंपल लेते हैं, मतलब हमारे वैसे तो एक डंबल शेप में, अगर प्लेन पाइप होता है तो डंबल शेप का कट करके और दोनों साइड, दोनों जो एजेस होते हैं उसके, उनको ग्रिपिंग की सहायता से क्लिप से पकड़वा देते हैं। पकड़ने के लिए होती है मशीन में, और नीचे से और ऊपर से, एक प्लेट तो मूवेबल होती है और एक स्टेशनरी प्लेट होती है। तो जो मूवेबल प्लेट होती है वो नीचे खींचती है, और एक टाइम ऐसा होता है जिसपे वो ब्रेक हो जाता है। जो वो ब्रेक वाला पॉइंट होता है वो ग्राफ में आ जाता है, तो जो और जहां पर वो ब्रेक ऐसे डाउन हुआ उसी हम का आप क्लिप लोड ले लोगे हो कि जाते वो कितने पे ब्रेक हो जा रहा है। तो कितने पे ब्रेक हो रहा है। ये जो मशीन आप यूज कर रहे हो टेंसाइल के लिए, इस मशीन का नाम क्या होता है? टेंसाइल टेंसाइल टेस्ट मशीन। टेस्ट मशीन होता है, या फिर यूटीएम बोलते हैं, क्या यूटीएम बोलते हैं, यूटीएम? हाँ यूनिवर्सल टेस्ट मशीन ना। यूनिवर्सल टेस्ट मशीन। ओके, ये जो स्पेसिमेन आपका होता है डंबल शेप का, इसका कोई साइज वगैरह आप पता है आपको? साइज अलग अलग आई है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग साइज होती है। जैसे कि हम पीवीसी का लेते हैं तो अलग लेते हैं, और उसके लिए लेते हैं एचडीपी का तो साइज अलग होती है क्योंकि इनके आईएस के अकॉर्डिंग हम साइज लेते हैं। जो यूटीएम मशीन होती है, जब हम एचडीपी या पीवीसी का टेस्ट करते हैं तो इनकी स्पीड कितनी रखी जाती है? स्पीड स्पीड का नो आइडिया। नो आइडिया, कोई नहीं। नेक्स्ट जो आप टेस्ट बता रहे थे वो कौन सा है? MFI मेल्ट फ्लो अच्छा, इंडेक्स। MFI क्यों करते हैं हम? किसी भी कोई भी जो हम वो ले रहे पदार्थ ले रहे हैं, जैसे एचडीपी मान लो, तो उसकी मेल्टिंग मेल्ट फ्लो देखने के लिए उसका फ्लो कितना हो रहा है। थर्मोसेट मटेरियल का कर सकते हैं? जी वेरी गुड, हमने तो नहीं पढ़ा था कि नहीं, थर्मोसेट का थर्मोसेट का नहीं कर सकते, थर्मोप्लास्टिक का कर सकते हैं कुछ। ओके, क्योंकि वो फ्लो करता है ना क्योंकि थर्मोप्लास्टिक। वो फ्लो करता है, थर्मोसेट फ्लो नहीं करता। तो जो ये MFI होती है, इसकी मशीन का क्या नाम है? MFI मशीन का किस मशीन से करते हैं ये? ये नहीं पता, मशीन का MFI नाम टेस्टर वैसे बोलते हैं ना उसे। हाँ, MFI टेस्टर। हाँ बताओ जरा इसके और बारे में, बताओ MFI के बारे में कुछ, कैसे करते हैं? सबसे पहले जैसे अगर हम एसजीपी का कर रहे हैं तो 190 का टेम्परेचर सेट कर देते हैं ऊपर से, फिर ऊपर बैरल में छोटे छोटे दाने एचडीपी के डाले जाते हैं, और नीचे से जब वो मेल्ट हो जाता है तो नीचे से फ्लो करता है, तो एक टाइम होता है 600 सेकंड का, तो उस टाइम पे यानी 10 मिनट कह सकते हैं, 600 सेकंड, तो उस टाइम तक वो फ्लो होता रहता है, और जब टाइम मतलब हो जाता है तो उसको कट कर लिया जाता है नाइट से, एक ही और फिर सैंपल उसका लेते वेट हैं ले या लेते फिर हैं। ज्यादा सैंपल लेते हैं? तीन सैंपल लेते हैं तीन सैंपल लेते हैं। और उनका वेट कर लेते हैं, और फिर उनका एवरेज निकाल के और मेल्ट फ्लो निकाल के। लोड कितना रखते हैं इस पे? इस पे लोड 5 kg। 5 kg HDPE के लिए, अकॉर्डिंग टू ISO ना, ISO IS अकॉर्डिंग टू आईएस IS इंडियन स्टैंडर्ड ASTMD का नाम सुना है आपने? ASTM भी। हाँ अमेरिकन। कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं तो MFI का जो IS है वो स्टैंडर्ड कितना होता है? MFI का आईएस, MSI का आईएस नहीं होता, टेस्ट का आईएस होता है, मतलब उसका आईएस होता है। जैसे एचडीपी का हम पाइप बना रहे हैं तो पाइप के लिए अलग आईएस होता है, वो अच्छा, उसके लिए भी अलग अलग, जैसे प्लेन पाइप का आईएस होता है 94, 9281, ऐसे 84 ऐसा होता है। इसके अलावा जैसे कि कोरूगेटेड पाइप बन रहा है तो 16205 होता है। ओके, तो ये जो MFI तो आपने बता दिया, इसके बाद में और कोई टेस्ट आपने किया है?
उसके अलावा हम लेंथ लेते हैं वर्नियर से, उसकी मतलब वर्नियर का आपने डेफिनेशन। यूज किया है कभी, चलाया है? लीस्ट काउंट कितना होता है इसका? 0.01, पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो टू 0.002 या फिर 0.02 mm, सॉरी 0.02 mm होता है माइक्रोमीटर का? माइक्रोमीटर का, 0.01 mm ना? mm। ओके. और कोई टेस्ट किया हो? चलाओ ग्लो वायर टेस्ट करते हैं, हाँ बताओ उसमें उसके एक बारे टुकड़ा में. लेते हैं पाइप का, एक टुकड़ा लेते हैं चौकोर और उस पे लगा देते हैं, मशीन पे लगा देते हैं, एक वायर टाइप का निकला रहता है उसमें, और उसकी जैसे टच होता है वायर, एक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जैसे टच होता है तो वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। ओके. तो वो किस लिए करते हैं ग्लो वायर टेस्ट? क्या किस लिए करते हैं? ग्लो वायर टेस्ट? ग्लो वायर टेस्ट उसकी उसके लिए करते हैं, फ्लेमेबिलिटी के लिए। अच्छा, मतलब हेलो, हाँ, मतलब फ्लेमेबिलिटी, मतलब मतलब फ्लेम रिटार्डेंट होना चाहिए ये अच्छा, पाइप, मतलब जलना नहीं चाहिए ना. जलना नहीं चाहिए। ओके. VST या फिर HDT के बारे में सुना है? VST, VST या फिर HDT, हीट HDT, डिफ्लेक्शन टेम्परेचर, नहीं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सुना है लेकिन उसका करते नहीं है HDPE ओके ओके, ठीक है. अभी कितनी सैलरी ले रहे हो वहाँ पे? 15,000। 15,000. आप एक काम करो, अपना रिज्यूम मुझे शेयर करो. अभी एक रिक्वायरमेंट थी, उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल की गई थी. ओके, अभी कितनी सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हो आप, एक्सपेक्ट कर रहे हो? 20 20 अबव तो करनी, 20K ज्यादा। ओके ओके, आप मुझे अपना रिज्यूम शेयर कीजिए, ठीक है? मैं अभी ओके ओके कंपनी में आपको शेयर कर देता हूँ, जैसे कॉल आएगी तो आप उनसे बात कर लीजिए. ओके।